गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रवीण कुमार, पैरालंपिक मेडलिस्ट, अर्जुन अवॉर्डी, आज आपके साथ अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट्स को शेयर करूंगा कि मैंने कैसे अपने आप को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया, कैसे मैंने अपने फ्रेंड्स पर ट्रस्ट किया, उन्होंने कैसे मेरे को हेल्प की और कैसे मैंने किसकी गाइडेंस को फॉलो किया। मेरी लाइफ जैसे नॉर्मल बच्चे खेलते हैं वैसे ही स्टार्ट हुई थी। मैं भी स्कूल्स में ही खेलता था, बच्चों के साथ खेलने चला जाता था और पीरियड्स भी बंक कर देता था कभी कभी, क्योंकि मेरे को खेलना बहुत पसंद था। तो कभी कभी डांट भी पड़ती थी लेकिन अच्छा लगता था खेलना। मैं जब नाइन्थ में था, जब स्पोर्ट्स डे हुआ था स्कूल में, तब उस टाइम पे मैंने सोचा कि मेरे को ही पार्टिसिपेट करना चाहिए, नॉर्मल बच्चों के साथ खेलना चाहिए। तो जैसे मैंने अपने फिजिकल टीचर को बोला जाके कि सर मुझे भी खेलना है, तो उन्होंने मुझे रोक दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, आप नहीं खेल सकते हो क्योंकि आप डिसेबल हो और कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी या फिर कुछ हो गया तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो ये सब कह के मेरे को वहाँ से भेज दिया कि नहीं, आप नहीं खेल पाओगे। तो फिर मैंने उस टाइम पे अपने पापा को बोला, मैं बहुत सैड था उस टाइम पे कि ये सब क्या है। उस टाइम पे मेरे को देखने को मिला कि डिसेबिलिटी क्या चीज़ होती है। तो पापा ने मेरे को बोला कि बेटा तू टेंशन मत ले, मैं प्रिंसिपल को कॉल करता हूँ, मैनेजर को कॉल करता हूँ, मैं बात करूँगा। फिर उन्होंने बात की, तो कॉम्पिटिशन था मेरा नेक्स्ट डे, तो उन्होंने आज बात की है, तो कल सुबह मैं पहुँचा तो विंग इंचार्ज से मेरी बात हुई। तो विंग इंचार्ज ने बोला कि ठीक है आप आ जाइए। तो जैसे ही विंग इंचार्ज ने बोला था, उसके एक घंटे बाद ही मेरा इवेंट स्टार्ट होने वाला था। तो मेरे को जाके एंट्री भी करानी थी, टीचर से बात भी करनी थी, और वो जो मेरा गेम था वो कंटिन्यूसली स्टार्ट होने ही वाला था, चल रहा था, ऑलमोस्ट चल ही गया था। तो फिर मेरी विंग इंचार्ज से बात हुई, फिर उन्होंने तुरंत मेरे को फिजिकल टीचर के पास भेजा। फिर उन्होंने उनको उनसे बात की कि फिर वो फिजिकल टीचर ने वही बात फिर दोबारा बोली कि रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा आपकी डिसेबिलिटी की। तो उस टाइम पे उस टीचर ने बोल दी कि मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, और फिर मैंने बोल दिया कि सर मैं तो ले ही रहा हूँ और सर भी ले रहे हैं, तो सर आपको करना चाहिए कि मेरे को खेलने देना चाहिए। तो उन्होंने फिर मेरे को बोल दिया कि चलो खेल लो, पर ध्यान से खेलना, कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर मैं वहाँ पे गया तो कुछ बच्चे थे जो मेरे को जानते थे कि हाई जंप बहुत अच्छा करता है, तो वो मेरे से थोड़ा डर रहे थे। तो उस टाइम पे जो टीचर थे जो करा रहे थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि ये भी खेलेगा, मेरा नाम लिख लिया एक नीचे, लिस्ट में नाम नहीं था तो वो पेन से नीचे मार्क कर दिया था। तो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मेरे को ऑब्जेक्शन कर दिया कि तू नहीं खेलेगा, इसको नहीं खेलने देंगे क्योंकि ये डिसेबल है। उनको पता था कि मैं हाई जंप बहुत अच्छी करता हूँ, लेकिन उन्होंने बहाना लगा दिया कि डिसेबल है तो हम तेरे को खेलने नहीं देंगे। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये सब मेरे को सहन नहीं हो रहा था कि क्यों हो रहा है। फिर टीचर ने बोला कि टीचर ने वहाँ पे उनको बहुत तगड़ा जवाब दिया कि ये डिसेबल है, तुम इससे क्यों डर रहे हो, ये थोड़ी ना तुम्हारे बराबर करेगा और फिर भी तुम इसके साथ डर रहे हो, तो ये अच्छी अच्छी बात नहीं है और इसको खेलने दो। और आपको तो मोटिवेट करना चाहिए कि कोई बच्चा आपके साथ खेलना चाह रहा है वो डिसेबल है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, तो उस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आया था। तो उस दिन से जो फिजिकल टीचर था जो मेरे को पहले रोक रहा था, उसने मेरे को बोल दिया कि तू हमारे साथ नेक्स्ट ईयर क्लस्टर खेलने चलेगा। क्लस्टर गेम्स होते हैं CBSE नेशनल के, जो स्टेट्स होते हैं लाइक स्टेट, उसके बाद नेशनल सिलेक्शन होता है, उसमें मैं खेलने गया। तो उसमें जो फर्स्ट था मेरा नॉर्मल बच्चों के साथ, मेरा क्लस्टर था, तो उसमें मेरा सेकंड था, चीटिंग से थर्ड कर दिया था क्योंकि राइटिंग में प्रॉब्लम हो गई थी, उन्होंने नाम लिखने में कुछ मतलब उल्टा सीधा कर दिया था कि मेरा नाम ऊपर कर दिया था, मतलब मेरा नाम नीचे कर दिया था और उसका नाम ऊपर कर दिया था।
तो उस टाइम पे मेरे को थर्ड कर दिया गया। हमने ऑब्जेक्शन भी किया था कि सर ऐसा क्यों हुआ, कि हमने सभी बच्चों ने देखा था, सब टीचर्स भी थे वहाँ पे, कोचेस भी थे, तो फिर भी, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरे को थर्ड कर दिया, पर मेरे को बस ये, मेरे को थोड़ा और मोटिवेशन मिला कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे खेला, और जो मेरा अंदर जो डर था ना वो निकल गया नौ बच्चों के साथ, कि ये उनके साथ मेरे को डर था कि यार मैं कैसे खेलूँगा, मैं डिसेबल हूँ और डिसेबिलिटी के बाद फिर मैं उनके साथ कैसे कम्पीट करूँगा, तो मेरे को ना उस डर से बाहर निकलना था, जो कि मैं उस स्टेट क्लस्टर में निकाल चुका था। फिर मेरे को मोटिवेशन मिला कि मेरे को यार और भी कुछ करना है अपनी लाइफ में, कुछ करना है। तो फिर मैं 9th, 10th, 11th मैं नेशनल में भी गोल्ड मेडलिस्ट रहा, फिर मेरा खेलो इंडिया भी सिलेक्शन हुआ, खेलो इंडिया में गया था तो वहाँ पे मैं कुछ कर नहीं पाया। फिर एक बार ना मैं नोएडा में खेलने गया था, तो वहाँ पे मेरा गेम था, डिस्ट्रिक्ट लेवल था, वहाँ पे मेरे अशोक सैनी सर मिले थे, उन्होंने मुझे सत्यपाल सर के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे पैरा को, पैरा बच्चों को गाइड करते हैं और उनको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाते हैं। तो फिर उन्होंने मेरे को, मेरे से बात भी करवाई, और मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मेरे से बोला कि तुम ऐसा करो कि आप 2-4 दिन में मेरे पास आ जाओ, मैं देख लूँगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्या टैलेंट है, कुछ कर पाओगे नहीं कर पाओगे ये सब। तो मैंने बोला ठीक है सर मैं आ जाऊँगा। फिर उसके कुछ दिन बाद मैं चला गया, तो सर ने जब मेरे को देखा, चेक किया कि किस क्लास में फिट रहेगा, कैसा कैसा है, इवेंट कैसा करता है, तो उन्होंने बोल दिया कि सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने मुझे अपने पास ही रख लिया, फिर उन्होंने मेरे पापा को बोल दिया कि आप टेंशन मत लो, आज से मैं इसका सब कुछ देऊंगा, रहना वहना सब कुछ मैं ही करूंगा। तो फिर उन्होंने मेरे को है ना बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे आगे बढ़ने के लिए। फिर उन्होंने मेरे को, मैं 2018 में आया था उनके पास, 2018 के लास्ट में था, मेरे को आज भी डेट याद है, 17 अक्टूबर 2018 जब मैं उनके साथ, मतलब उनके पास गया था, उन्होंने मेरे को जब अपने पास में रखा था, मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। उसके बाद मेरे को एक साल लग गया पूरा ट्रेनिंग करते करते। फिर मेरा 2019 में एक गेम था, ध्यान से सुनना, बहुत मतलब बहुत अच्छा मोमेंट है, जब मेरे को है ना, मतलब मैं नीचे गिरा, मेरे को कुछ लगा कि मैं अब नहीं कर पाऊंगा, फिर मेरे को ऊपर से, फिर मेरे कोच ने कैसे मेरे को मोटिवेट किया 2019 में, मैं T42 क्लास में गया था, ये एक क्लासिफिकेशन होती है जिसमें कैटेगरी है जिसमें डिवाइड होते हैं कि ये बंदा किस कैटेगरी में खेलेगा, मैं T42 कैटेगरी में गया था। तो वहाँ पे जाके ना मेरी कैटेगरी चेंज हो गई थी, मेरे को क्लास मिली थी T44 जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड ही 2.19 मीटर है, और T42 कैटेगरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड 1.96 मीटर है। तो मैं उस टाइम पे 180 के ऑलमोस्ट करता था, तो ऑलमोस्ट हाँ 180 था। तो जब मैं उनके पास, जब मेरे को ये क्लास मिली T44 तब मेरे ना सारे सपने, सब कुछ टूट गया कि मैं क्या करूँगा, क्योंकि वो 2 मीटर और वो महाभारत थी कि उतना ऊपर करना, तो मैं अंदर से पूरा टूट गया था उस टाइम पे, मैं बहुत बहुत ज़्यादा सैड था। तो मेरे को सुबह 5 बजे कोच की कॉल आती है कि आप आ जाओ, मैं अपने को वार्म अप, मतलब वर्कआउट पे चलना है, अपने को वार्म अप चलेंगे, वार्म अप करेंगे थोड़ा, मतलब मेरा कॉम्पिटिशन था तो नेक्स्ट डे, तो इसलिए बोला था सर ने। मैं समझ रहा था कि सर मेरे को क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं सैड हूँ। तो मैं उनके साथ, मैंने बोल दिया ठीक है सर, मैं रात भर नहीं सोया था क्योंकि मेरे को टेंशन हो रही थी, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, मेरे सपने जो अंदर से टूटता है ना, जब किसी बंदे के सपने अंदर से टूट जाते तो वो अंदर से बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि अब कुछ है ही नहीं, कुछ करने को बचा ही नहीं है, मर जाओ कि ये सब कर लो यार, बहुत गंदे थॉट्स आते हैं। तो फिर मैं सर के साथ गया वार्म अप पे, वार्म अप नहीं किया था, हम वॉकिंग ही कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को समझाया कि बेटा कुछ जीवन में करे बगैर मिल जाए उसमें मज़ा नहीं है, और जब मेहनत करके जो पाओगे तो सक्सेस को जीने का कुछ अलग ही मज़ा है। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि मेरे को तू अपनी एक
एक साल दे दे कि उसमें देखते हैं, अगर तू कुछ अगर कुछ नहीं कर पाएगा तो मैं तेरे से नहीं बोलूँगा, तू स्पोर्ट्स कर, लेकिन तू एक साल मेरी मर्जी से कर, जो मैं कहूँ वो कर। तो मैंने बोल दिया, मेरे पास कुछ था नहीं कुछ करने को कुछ खोने को, मैं सब कुछ खो चुका था। तो मैंने बोल दिया कि ठीक है सर, मैं आपके साथ आपको एक साल देता हूँ, मैं जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो सर ने मेरे को टारगेट दिया था कि अगर तू टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई कर लेगा तो तू आगे अपने स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखेगा। मैंने बोला ठीक है सर। फिर हमने एक साल बहुत, मतलब बहुत हार्ड ईयर था मेरा, उसमें इंजरीज भी आई और हार्ड वर्कआउट, टाइटनेस, कभी कभी तो मन करता था कि यार छोड़ो यार अब नहीं होगा, अब नहीं उठा जाता है। तो मैंने 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 क्या किया कि एक बार ना मेरे को उठ के नहीं जाना था तो कोच की कॉल आती है, सोचा मैं आ रहा हूँ या तू आएगा। तो उस टाइम पे मैं बोला ठीक है सर मैं आ रहा हूँ, मेरे को बहुत पेन था बॉडी में, फिर मैं तुरंत चला गया। और फिर वो सुबह शाम 200 जंपिंग, वेट ट्रेनिंग, मतलब यार पूरा मेरा ईयर ना ऐसा कटा जैसे कि किसी जेल में कट रहा हो। लेकिन उसके बाद जब मेरा कंपटीशन लेवल आया, कंपटीशन टाइम पे, मैं सब कुछ भूल चुका था कि क्या हुआ है, क्या है, क्या करना है। लेकिन कंपटीशन में मेरे को बस एक ही चीज़ थी कि मेरे को अपना डर बाहर निकालना है T41 कैटेगरी का, और मुझे कुछ करना है। इतनी मेहनत की है तो मैं कुछ लिए बगैर तो जा नहीं सकता हूँ, मेरे को कुछ ना कुछ तो यहाँ से करके ही जाना है। तो उस टाइम पे मैंने 190 की थी, मैं फोर्थ था, लेकिन मेरा ओलंपिक क्वालिफाई हो गया था। तो मैं, मेरे को ना और मोटिवेशन मिला कि मेरे को यार जब तू ओलंपिक क्वालिफाई कर सकता है तो तू मेडल भी जीत सकता है उसमें। फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट बना कि अपने को मेडल लेना है टोक्यो में। फिर हमने फिर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की। उसके बाद टोक्यो में हम ऑलमोस्ट यहाँ से 2.5-10 करके गए थे हाई जंप में, तो अपने को मेडल श्योर है, मतलब श्योर था कि हम मेडल लेंगे ही लेंगे, पर ये श्योर नहीं था थर्ड होगा, सेकंड होगा, फर्स्ट होगा। एक बार जब मेरा कॉम्पिटिशन चल रहा था टोक्यो में, तो मेरे को ना कुछ फीलिंग्स आ रही थी कि यार कैसे होगा, क्या होगा, मतलब मैं 2-3 रातों से सोया नहीं था, 2-3 घंटे सोता था, फिर टेंशन यार क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे कंपटीशन स्टार्ट हुआ मैं सब कुछ भूल गया, क्या था, क्या करना है, सब कुछ। बस मेरा, मेरे को ये था कि मेरे को बस गोल्ड लाना है, मेडल, मेरे को पता था मेडल तो है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा था कि अब गोल्ड ही चाहिए, अब नहीं चाहिए कुछ भी, बस बहुत मेहनत की है, गोल्ड के बिना मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ट्राई बहुत किया, लेकिन सिल्वर पड़ा, मैं उसमें भी खुश हूँ। फर्स्ट टाइम में सब कुछ लेना ठीक नहीं होता है, अपने को ट्राई करना चाहिए। मेरे को टारगेट मिल गया उसकी वजह से, सिल्वर मिला, सिल्वर मेडल मिला मेरे को टोक्यो में। तो मेरा एक नया टारगेट सेव हो गया कि मेरे को 2024 में गोल्ड ही लाना है, उसके नीचे कुछ नहीं। मैं आपको बस एक बात बोलना चाहूँगा कि स्ट्रगल के बिना सक्सेस नहीं मिलती है। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपना गोल चुने और उसके पीछे जितनी भी हार्ड वर्क, जितनी प्रॉब्लम्स हों उनको सॉल्व करें और उसको पाएं। थैंक यू।